नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईटी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SBI अप्रेंटिस, RBI ग्रेड बी, ECGCPO, NPS और SPM, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में जो रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। दोस्तों, पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोरोना वायरस से मैं पीड़ित था, जिसके कारण क्या है कि मैं सेशंस नहीं ले पा रहा था। लेकिन MCQ फॉर्म में हम जो इन सभी एग्ज़ाम्स की जो सीरीज़ है उसे हम कवर करेंगे, ठीक है। SBI अप्रेंटिस की एग्ज़ाम काफ़ी समय से नहीं हो पा रही है, वजह इसका जो कारण है, जो दूसरी एग्ज़ाम्स है जैसे SBI PO है और जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रही हैं उसके कारण शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन मार्च में हो सकता है ये एग्ज़ाम देखने को मिले, ठीक है। अच्छा ही है कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय मिल पा रहा है हमें पेपर की तैयारी करने में। चलिए बिना गवाह शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, ठीक है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर बनता है ब्रुसेल्स में, ठीक है। क्या बनता है आपका आंसर? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी की, ठीक है। पेरिस फ्रांस की है और रोम है इटली की, ठीक है, याद रखना। अभी वर्ल्ड कस्टम डे का मनाया जाता है, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी इसकी क्या थी? वो थी कस्टम लॉस्टरी रिकवरी रिन्यूअल रिजाइलेंस फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ठीक है, सस्टेनेबल सप्लाई चेन इस साल की थीम थी। लिख लीजिए, कस्टम ब्लास्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजाइलेंस फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन इस साल की ये थीम थी। वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्या? वर्ल्ड कस्टम डे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इटली के जो प्रधानमंत्री थे जोसेप कोंटे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इटली के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने कौन हैं? मारियो दरागी। कौन? मारियो दरागी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरी मैंने जानकारी दे रखी है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इस बार से आंसर्स भी देना शुरू कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं आंसर्स को, क्योंकि ये जितना ये जो पहले क्वेश्चन का जो था पूरा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसको आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, और जो मैं है सिर्फ आंसर्स दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बताऊंगा, और उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेयर मार्टिन मिनरल विच हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका आइस, ठीक है। उस रेयर मार्टिन मिनरल का नाम क्या है जो पिछले दिनों अंटार्कटिका की बर्फों के बीच खोजा गया था? तो आंसर बनता है उसका जेरोसाइट। क्या है आंसर? जेरोसाइट। जेरोसाइट उस मार्टिन मिनरल का नाम है जो पिछले दिनों अंटार्कटिका आइस में खोजा गया था, याद रखना इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ इनिशिएटिव टू डिलीवर COVID-19 वैक्सीन टू फ्रेंडली कंट्रीज, ठीक है। भारत के उस इनिशिएटिव या अभियान का नाम बताइए जो कि उसके मित्र देशों को COVID-19 वैक्सीन सप्लाई करने के लिए या फिर डिलीवर करने के लिए शुरू किया गया है? तो आपका आंसर बनता है वैक्सीन मैत्री। क्या बनता है आंसर? वैक्सीन मैत्री, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने क्या करा था? ब्राज़ील को, साउथ अफ्रीका को और श्रीलंका को 5.5 लाख जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज टू प्ले होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। इनमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो जेंडर की समानता है उसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की जो है मेजबानी करने जा रहा है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है केरला। क्या बनता है आपका? केरला। और ये कौन सा एडिशन होगा? सेकेंड एडिशन होगा, ठीक है, याद रखना। अभी हाल ही में याद रखना कि जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने जेंडर पार्क, क्या जेंडर पार्क कोझिकोड में ओपन किया था, ठीक है याद रखना। केरल में ही ओपन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? कोझिकोड में। कहाँ पे हुआ था? कोझिकोड में, ठीक है। अब ये हाल ही में फायर पार्क का भी स्थापना हुआ था, कहाँ पे हुआ था फायर पार्क की स्थापना? तो ये करा था भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा की राजधानी है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड गोल्ड डिमांड ट्रेंड रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड गोल्ड डिमांड ट्रेंड रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में, ठीक है। उसके जो चेयरमैन है वो है डेविड टेट। कौन है? डेविड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेट, टी ए आई टी, टेट, डेविड टेट इसके हेड हैं, ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इंडिया है ना बुलियन एसोसिएशन का है मुंबई में, और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है ना। एनएस राजेश्वर राव, कौन? एनएस राजेश्वर राव अभी हाल ही में डेप्टी गवर्नर चुने गए थे, कहे के आरबीआई के, ये भी याद रखना। चौथे नंबर के डेप्टी गवर्नर चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं कि ऐसा हुआ है कि 2020 में, ठीक है, 2020 था उसमें 60%, कितना? 60% जो है गोल्ड की डिमांड कम हुई है, जो कि लगभग कितना था? 272.9 टन था, ठीक है, याद रखना। ये सब मैंने इसमें बताया है, आप पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग एट आईएमएफ अंडर द न्यू कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है। इनमें से किस देश ने रिक्वेस्ट किया है, किसे? आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को, कि जो डेट है, जो कर्ज देता है आईएमएफ, उसको, उसकी जो प्रोसेस है या फिर जो तरीका है उसको वापस बदला जाए, जो स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित किया जाए। तो आपका आंसर बनता है चैंड ने। किसने कहा ऐसा? चैंड ने। चैंड क्या है? एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। चैंड की राजधानी क्या है? एन दज्जामेना, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? फ्रैंक है, ठीक है। आईएमएफ के मुताबिक जो भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 11.5% रहने वाली है। इसके मुताबिक, आईएमएफ के मुताबिक जो FY 2022 की रहेगी, FY 21 में इन्होंने बोला है कि भारत की जो GDP रहेगी -8.0 रहेगी, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च न्यू वेरिएंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। न्यू वेरिएंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च करा है? तो आपका आंसर बनता है UK। किसने लॉन्च करा है? UK ने करा है। जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का UK में, यानी कि उसकी जानकारी के लिए ये है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड अ पॉलिसी फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने, जो कैबिनेट है, ठीक है, उसने क्या करा है? एक पॉलिसी लेकर आए हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन की, किस एंटिटीज के लिए? तो आंसर याद रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इसमें कंपनीज भी आएंगे, जैसे NHAI है, PGCIL है, और चार जो बैंक, याद रखना कौन से चार बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के लिए। एक तो बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और
इंडियन ओवरसीज बैंक, याद रखना। दो छोटे बैंक है और दो बड़े बैंक है। डावोस डायलॉग दैट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली पर्टेंस टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डावोस डायलॉग जो कि पिछले दिनों खबरों में था, ठीक है, उसका संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से है? तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। इसके चेयरमैन जो हैं या डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं, क्लाउस श्वाब हैं। कौन है? क्लाउस श्वाब, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन डीसी में। डेविड मलपास इसके क्या हैं? हेड हैं। यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस इसके चेयरमैन हैं। अभी एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एक भारत की जो हैं महिला हैं, उन्होंने चुनौती दी है इन्हें डायरेक्टर जनरल पद के लिए, यानी कि उन्होंने नामांकन किया है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर ट्रेडोस गैब्रियस, ठीक है, इसके चेयरमैन हैं और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये भी याद रखना कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इस साल 2021 की जो बैठक होगी ये कहाँ पे होगी? सिंगापुर में होगी। कहाँ पे होगी? सिंगापुर में होगी। सिंगापुर क्या बना था? वर्ल्ड स्मार्ट सिटी बना था, ठीक है। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी की जो रैंकिंग आई थी उसमें सिंगापुर टॉप पे था, और जो भारत की तरफ से एकमात्र शहर था वो था दिल्ली, ठीक है। कौन सा था? दिल्ली, और दिल्ली की रैंक थी 62, ये भी याद रखना। चलो, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द इवेंट ऑन रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, या फिर बोल सकते इवेंट है, उसका यानी कि उसका उद्घाटन, इसको कंडक्ट करवाया था? तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करवाया था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? ये भी, ये जेनेवा में मिलेगा। जेनेवा मतलब स्विट्ज़रलैंड। उसकी नई डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी वो हैं ओकोंजो, ठीक है, ओकोंजो। बाकी का नाम जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, ओकोंजो इवेला, ठीक है, ओकोंजो इवेला। और ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया, ठीक है, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मॉन्यूमेंट वॉज लाइट ऑन 30th January टू ऑब्जर्व दैट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, ठीक है। इनमें से कौन सा भारत का जो भारत में बना एक स्मारक है जो कि हाईलाइट हुआ रहा था, ठीक है, 30 जनवरी को, है ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे के अवसर पर? तो आंसर बनता है आपका कुतुब मीनार, ठीक है। क्या था? कुतुब मीनार, ठीक है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे का मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय द सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट, ठीक है। सिडनी के लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो आपको याद रखना भारत की रैंक कितनी थी? 86 थी। कितनी थी? 86। इसमें टॉप किसने करा था? तो इसमें टॉप जो किया था उसने न्यूजीलैंड ने किया था, ठीक है। और कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि 98 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। 98 कंट्री था ब्राज़ील, ठीक है। कौन था? ब्राज़ील था, सबसे आखिर में ब्राज़ील था। वो किसे बाहर रखा गया था इस इंडेक्स से? तो जो बाहर रखा गया था चीन को। क्यों? डेटा उपलब्ध नहीं था उसके बारे में, चीन के बारे में, इसलिए चीन को बाहर रखा गया था, याद रखना। वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भी भारत की रैंक कितनी थी? 86 थी, ठीक है। उसमें भी न्यूजीलैंड ने टॉप करा था, लेकिन साथ में कौन था? डेनमार्क था। कौन सा देश था? डेनमार्क था, याद रखना। एस पर अ रिपोर्ट रिलीज बाय, है ना, एल्वरेज
एंड मार्शल इंडिया. व्हाट इज़ द एवरेज टाइम टेकन फॉर रिजोल्यूशन इन इंडिया अंडर द IBC है ना, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एज ऑन सेप्टेम्बर 20. ठीक है, एल्वारेज एंड मार्शल की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत में है, भारत में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत, ठीक है, सितंबर 2020 में आने की बात कही गई थी, सितंबर 2020 तक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड के तहत किसी भी जो केस है, कोई भी जो केस है, उसके रिजोल्यूशन के लिए अधिकतम कितना टाइम लगता है, तो आंसर बनता है 440 दिन. कितना लगता है? 440 दिन एक केस में लगता है. ठीक है, याद रखना, यानी 440 दिन हैं, लगभग आपके 15 महीने के बराबर हैं, लगभग 15 महीने, 15 महीने तो पूरे नहीं है, 14 महीने समथिंग है. ठीक है, आप फिर भी बोल सकते हैं हाँ 15 महीने के बराबर है लगभग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया रैंक इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय EIU. ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था, तो याद रखना भारत का रैंक कितना था, 10 था. कितना था? 10 था. उसको टॉप किसने करा था? ऑस्ट्रेलिया ने करा था. किसने करा था? ऑस्ट्रेलिया ने करा था, ये ध्यान रखना. विच कंस्ट्रक्शन मेजर हैज़ बैग्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील ब्रिज फॉर मुंबई एंड अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. ठीक है, देखो इनमें से किस कंस्ट्रक्शन साइट को, क्या कंस्ट्रक्शन साइट को जो है स्टील बी जो स्टील स्टील का ब्रिज है उसको बनाने के लिए क्या दिया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसके दौरान बनाया जाएगा. ठीक है, तो वो है LNT लार्सन एंड ट्रूबो. ठीक है, कौन सा संस्थान है वो? LNT है. ठीक है, याद रखना NHAI बजट में इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, और PGCIL ठीक है इसके लिए कितना प्रावधान रखा गया था? 7,000 करोड़ का. ठीक है, 118-101 फिगर याद रखिएगा. ये कितना है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को क्या किया गया है इस बार, बजट इतना दिया गया है. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस देश, किस एजेंसी द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखना जर्मन वॉच के द्वारा. ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी आई है? 7 आई है. ठीक है, और जो टॉप किया है इस इंडेक्स में वो किया है मोजाम्बिक ने. किसने किया है? मोजाम्बिक ने. मोजाम्बिक की राजधानी है मैप्टू, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मैटिकल. ठीक है, याद रखना. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में है. क्यू डोंगी उसके चेयरमैन हैं. ठीक है, UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? इसका बनता है, याद रखना मैं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपका? जर्मनी में. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जर्मनी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रपोज्ड 8 गाइडिंग प्रिंसिपल टू रिपेयर द स्ट्रेंट रिलेशन विथ विच कंट्री. ठीक है, विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर ने 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, यानी कि फिर से अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ, तो वो है चाइना के साथ. किसके साथ? चाइना के साथ. एस जयशंकर याद रखना हमारे कौन हैं? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और जो सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के कौन हैं? वो डॉक्टर हर्ष कुमार श्रृंगला हैं, याद रखिएगा. ठीक है, अगला सवाल, एज पर NSO
रिवाइज एस्टिमेट रिलीज रिसेंटली व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2019 एंड 20। ठीक है, एनएसओ ने क्या करा है कि रिवाइज यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है, तो उन्होंने बताया कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -4.0 रहेगी, सबके आगे माइनस कर दिया, ठीक है, -4.0 रहेगी, ठीक है, ऐसा एनएसओ का कहना है। जो पहला क्वार्टर था उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, -23.9% रही थी, और जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें 7.7% रही थी। इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया कि हमने वी शेप की रिकवरी की है, वी शेप रिकवरी, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला सवाल है आपका, सेंड्रो बॉटिसिल हु वाज समथिंग न्यूज इन समथिंग सीन इन द न्यूज वाज अ फेमस पेंटर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, सेंड्रो बॉटिसिली जो कि पिछले दिनों खबरों में थे, वो एक फेमस पेंटर है किस देश के, तो याद रखिएगा इटली के। ठीक है, कहाँ के है, इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन पर्सनालिटी स्टार्टेड द प्रबुद्ध भारत जनरल इन 1896। प्रबुद्ध भारत जो जनरल है 1896 में किस भारतीय ने शुरू किया था, तो आपका आंसर बनता है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता है, वो आता है 12 जनवरी को, इस है ना नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल यूथ डे का मनाया जाता है तो वह है 12 अगस्त को, कब मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये याद रखना। Who has been appointed as a new, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, Who has been appointed as the new, ये छोड़ दीजिएगा, पता नहीं क्या लिखाया है, new CEO of the, क्या है, CEO of the National Health Authority। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसको मैं PDF में चेंज कर दूंगा, Who has been appointed as the new CEO of the National Health Authority, तो याद रखना RS शर्मा बनाए गए हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, RS शर्मा। ठीक है, और इन्हें आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का भी क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है, जिसे आप बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ अ ग्लोबल बासमती राइस ट्रेड। ठीक है, इनमें से किस देश का जो शेयर है दुनिया में, यानी कि हिस्सेदारी है बासमती चावल के व्यापार की, सबसे ज़्यादा है, तो आंसर याद रखना भारत की, क्या है, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूर्नामेंट वुड बी कंडक्ट दिस ईयर, वुड बी कंडक्ट दिस ईयर बाय BCCI इन प्लेस ऑफ रणजी ट्रॉफी। ठीक है, 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जो रणजी ट्रॉफी है नहीं खेली जा रही है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो उसकी जगह इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी को आयोजित किया है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी हालांकि होती तो हर साल है, लेकिन इस साल इसके स्थान पर आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर लेना, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली क्लियर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रपोजल ओवर 50,000 करोड़। ठीक है, इनमें से किस राज्य की, यानी कि किस राज्य की कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं 52,000 करोड़ की, तो याद रखना तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी और लेकर आए थे कौन, UP लेकर आया था, ठीक है, गुजरात लेके आया था, आंध्र प्रदेश लेके आया था, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु कौन सी पॉलिसी लेकर आया था, इलेक्ट्रॉनिक
गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ठीक है, वो भी लेकर आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसी लेकर आया था। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी लेकर आया था कौन? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना, बहुत सारी पॉलिसी लेकर आया था तमिलनाडु। एक पॉलिसी के लिए अलग से चार्ट बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अमेंड इट्स सिटीजनशिप लॉ टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज्ड स्किल, ठीक है। इनमें से किस देश ने अपने जो नागरिकता कानून है उसमें बदलाव किया है ताकि जो हर एक व्यक्ति है उसको आकर्षित किया जाए जिसके पास एक कला हो, स्पेशल स्किल हो, तो वो देश है आपका UAE। कौन सा है? UAE, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथिंग द ग्रीवियंस रेड्रेस मैकेनिज्म इन बैंक, ठीक है। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे जो शिकायतें हैं बैंक्स के खिलाफ, यानी कि आप भी बैंक में जाते होंगे, कोई ना कोई शिकायत रहती होगी कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ का स्टाफ ऐसा है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकें, उस चीज़ को मजबूती बनाने के लिए किस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, मजबूत फ्रेमवर्क, तो आपका आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला सवाल है, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर वॉज ऑब्जर्व एज द मेटायर डे ऑन जनवरी 30 इन इंडिया। जनवरी 30 को किस लीडर की डेथ एनिवर्सरी को, है ना, शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो आपका आंसर बनता है महात्मा गांधी। किसका बनता है, क्या बनता है आंसर? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज बींग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री, ठीक है। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में था, वो किस देश में बनाया जा रहा है, यानी कि अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आपका आंसर बनता है नेपाल। कहाँ बनाया जा रहा है? नेपाल में बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या करा था ICICI बैंक ने, नेपाल में अपनी शाखा ओपन करी थी और श्रीलंका से उन्होंने एग्जिट कर दिया था, याद रखना, ठीक है। विच कंट्री इज रीसेटलिंग इट्स रिफ्यूजी इन द भसन चार आइलैंड, किस देश ने, ठीक है, जो रिफ्यूजीज हैं उनको बसाने का काम करा है भसन चार आइलैंड में, ठीक है, तो याद रखना बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश, याद रखना, ठीक है। अभी इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है, माफ कीजिएगा, 51वें नंबर का, 51st, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें जो फोकस कंट्री के रूप में जो चुना गया था वो बांग्लादेश को चुना गया था, ठीक है। जंस्कर वैली विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच यूटी या स्टेट, जंस्कर वैली किस राज्य और यूटी या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो हाल ही में खबरों में थी, तो याद रखना लद्दाख में, कहाँ पे थी? लद्दाख में, ठीक है। गोवा की मृदुला सिन्हा जो कि क्या थी? गवर्नर थी, उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, ये याद रखिए। वो पहली महिला गवर्नर थी गोवा। और इंडिया 51st नंबर का इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कहाँ पर हुआ था? ये भी गोवा में ही आयोजित किया गया था। अकॉर्डिंग टू द WHO विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेप्रोसी केसेस इन द वर्ल्ड एनुअली। WHO के मुताबिक, है ना, सबसे ज़्यादा दुनिया में लेप्रोसी केस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वह है भारत में। कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत में, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कौन सा देश आता है? याद रखना ब्राज़ील आता है, ठीक है।
फिर आता है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया क्या करने जा रहा है 2022 में G20 समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ब्राज़ील कब करेगा 2024 में करेगा। भारत कब करेगा 2023 में भारत करेगा। कल IBPS क्लब RRB क्लब का क्वेश्चन था कि भारत कब मेजबानी करने जा रहा है, तो 2023 में करने जा रहा है, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ग्लोबली, है ना, सिल्क के प्रोडक्शन में भारत की दुनिया भर में रैंक कितनी है, तो आंसर याद रखना सेकंड है। क्या है, सेकंड है। सब नंबर वन कौन है यहाँ पे, अगेन चाइना, ठीक है, याद रखना। नेपच्यून डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद सेक्टर, ठीक है। नेपच्यून डिक्लेरेशन जो कि पिछले दिनों खबरों में था, किस सेक्टर से संबंधित है, तो याद रखना आप, ये है मेरी टाइम से। कैसे है, मेरी टाइम से, ठीक है। अब जब मेरी टाइम की बात आई है तो इंडिया शिपिंग कंपनीज के लिए, ठीक है, 1,624 करोड़ रुपए का क्या है, 5 सालों के लिए बजट में आवंटन किया गया है। पोर्ट वाटरवेज शिपिंग के लिए 2,000 करोड़ रुपए का जो है बजट में आवंटन किया गया है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OPC विच इज सीन इन द यूनियन बजट 2021-22, ठीक है। OPC का फुल फॉर्म क्या है, जो कि बजट 2021-22 में हमें देखने को मिला था, तो आपका आंसर्स बनते हैं 1 person company। क्या है, 1 person company। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द बजट 2021-22 व्हाट इज द एस्टिमेट फिजिकल डेफिसिट फॉर द करंट फिजिकल ईयर, ठीक है। करंट जो फाइनेंशियल ईयर है या फिजिकल ईयर है, उसमें फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, तो आपका आंसर बनता है 9.5 का अनुमान लगाया भारत सरकार ने, ठीक है। FY22 में कितना रहने का अनुमान है, 6.8 का, ठीक है। फिजिकल ईयर क्या होता है, देखो यदि सरकार की कमाई है 100 रुपये और खर्चा हो रहा है 102 रुपये, ठीक है, तो ये 2 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, फिजिकल ईयर, यानी कि कमाई कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, ठीक है। इस साल का जो बजट का पूरा आउटले है, यानी कितना खर्च करना है, तो वो है 34.83 करोड़, ठीक है, लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, 34.83 लाख करोड़, इतना बजट है इस साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू FDI लिमिट इन इंश्योरेंस कंपनीज एज प्रपोज इन यूनियन बजट 2021-22। यूनियन बजट 2021-22 में FDI की लिमिट कितनी कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो याद रखना 74, कितना कर दिया गया है, 74%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ मेनी न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस आइटम हैव बीन एडेड अंडर द मेकिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू MSP स्कीम, ठीक है। इनमें से कितने नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो आइटम्स है, ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको MSP के तहत जोड़ा गया है, तो आपका आंसर बनता है 14, कितना है, 14। हु वॉन द मेन सिंगल फाइनल एट बैडमिंटन वर्ल्ड टूर हेल्ड इन बैंकॉक, ठीक है। बोल सकते हैं कि जो थाईलैंड ओपन है वो किसने जीता था, ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो आपका आंसर बनता है आंड्रे एंटनसेन ने, किसने जीता था, आंड्रे एंटनसेन ने, ठीक है, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना, इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना क्रिकेट से है, किस खेल से है, क्रिकेट से है। व्हाट इज द आउटले फॉर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितने बजट का आवंटन किया गया है, तो आप याद रखेंगे 64,180 करोड़ का, कितना, 64,000।
1180 करोड़ का। 1000 करोड़ काय के लिए है? असम बंगाल टी वर्कर्स के लिए है, ठीक है, 1000 करोड़ का, ठीक है। 2000 करोड़ का काय के लिए है? पोर्ट, शिप, वाटरवेज, याद रखना। ऐसे करते करते अपन पूरा बजट याद कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एज पर द रीसेंट यूनियन बजट द है ना गीगा इकोनॉमिक वर्कर्स आर टू बी कवर अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गी है ना, माफ कीजिएगा, गीग इकोनॉमी वर्कर्स को किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कवर किया जाएगा? तो आपका आंसर बनता है ESIC। किसके तहत किया जाएगा? ESIC, याद रखना। वॉट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बिंग होस्टेड बाय केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड? केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के द्वारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो किस का नाम क्या जो कि होस्ट की गई थी, याद रखना, केरला लुक अहेड। क्या था? केरला लुक अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑटो अनाउंस दैट इट विल बी फॉर्मली अप्लाई फॉर द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एसोसिएशन CPTPP? CPTPP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। 11 कंट्रीज आती है इसके अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। द एशियन इंडिया हैथकॉन इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? द एशियन इंडिया हैथकॉन जो कि एक इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। 93,224 करोड़ रुपए, कितना? 93,224 करोड़ रुपए जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अलॉट किए गए हैं। और नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत कितना दिया गया है? याद रखना, 34,300 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज अपॉइंटेड एन एक्सटर्नल फर्म टू ऑडिट HDFC बैंक अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर बनता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन भव्य लाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आंसर आपका बनता है नासा। भव्य लाल को नासा की जो है चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इस बुक के राइटर कौन है? तो ये है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द वेन्यू ऑफ ग्लोबल एयर शो एग्रो इंडिया? एग्रो इंडिया को किस शहर ने होस्ट किया था? तो याद रखना, बेंगलुरु ने। किसने करा था? बेंगलुरु ने। याद रखना, बेंगलुरु में टेस्ला अपना क्या खोलने वाला है? कौन? टेस्ला अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्लांट खोलने वाला है भारत में, ठीक है। और टेस्ला के ज़्यादा आपको देखेंगे भी नहीं जो हैं प्लांट्स, वो चुनिंदा कंट्रीज़ में ही देखने को मिलते हैं और भारत उनमें से एक है, ठीक है। इसका कौन सा एडिशन था एयरो इंडिया का? 13वां एडिशन, याद रखना। एज पर रिसेंट रिसर्च प्रोटीन बेसिस डिवाइस हैव बीन डिजाइन टू डिटेक्ट विच डिसीज, ठीक है। पिछले दिनों रिसर्च में क्या हुआ था, प्रोटीन पर आधारित डिवाइस जो था डिजाइन किया गया था किस बीमारी को खोजने के लिए? तो आपका आंसर बनता है COVID-19, ठीक है, COVID-19, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, 223,846 याद रखना है, स्वास्थ्य के लिए इतना बजट दिया गया था, 73932
73,932 ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया था। याद रखना कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट था, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेट अप इन विच इंडियन सिटी, ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो याद रखना चेन्नई में, कहाँ पे किया गया है, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन विच कंट्री, तो आपका आंसर बनता है इंडिया, कहाँ पे है, इंडिया। द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव किस देश ने शुरू करा था, तो हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। अगला सवाल है आपका, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम थी वेटलैंड एंड वाटर, ठीक है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को हर साल, ठीक है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड अ प्लान टू डेवलप लिटिल अंडमान आइलैंड एज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लिटिल अंडमान आइलैंड को टूरिज्म हॉटस्पॉट के तहत पे डेवलप करने का प्लान बनाया है, तो आप याद रखिएगा ये किसने बनाया है, तो नीति आयोग ने बनाया है, ठीक है, नीति आयोग ने। NHAI का नाम आया, NHAI को 5,000 करोड़ रुपए का क्या आवंटन किया गया है यूनियन बजट में, ठीक है। इसी तरह PGCIL को कितना किया गया है, तो वह 7,000 करोड़ का है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को कितना किया गया है, तो याद रखना 118, 101, मैंने भी ऐसे याद कराया 118, 101 करोड़, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप्स फॉर फाइलिंग IT पेटेंट्स, इनमें से किस राज्य ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत राज्य क्या करेगा, वित्तीय सहायता देगा किसको, जो IT के क्षेत्र में अपना पेटेंट फाइल करेंगे, तो याद रखना महाराष्ट्र ने करा है ऐसा, किसने करा है, महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू हाइट रिकॉर्डेड इन इंडियाज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज ऑफ 2020, ठीक है, FPI में इन्वेस्टमेंट कितना रहा, FPI के थ्रू भारत में इन्वेस्टमेंट कितना रहा ये बोलना चाहता है, तो याद रखना 31.7 बिलियन, ठीक है, 31.7 बिलियन, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। प्रज्ञान भारती भाषा गौरव आर द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट, ठीक है, प्रज्ञान भारतीय भाषा गौरव किस राज्य के इनिशिएटिव थे, तो याद रखना असम के थे, किसके हैं, असम के, ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो ये असम में, और सबसे बड़ा जो बनने वाला है वो कहाँ पे बनने वाला है, बिगेस्ट, तो वो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। What is the name of the sector specified webinar series conducted by the Ministry of Commerce? ठीक है, Ministry of Commerce के द्वारा सेक्टर पर आधारित एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था उद्योग मंथन, क्या नाम था, उद्योग मंथन, याद रखिएगा, क्या नाम था, उद्योग मंथन। Which country hosted द इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इन फरवरी 2021, ठीक है, इनमें से किस देश ने इंडियन ओशन रीजन के जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है उसको आयोजित करा था, तो याद रखना भारत ने करा था, किसने करा था, भारत ने करा था, ठीक है। भारत ने मालदीव्स के साथ पहली फेरी कार्गो सेवा शुरू करी है, ठीक है, याद रखना। Which technology entrepreneur has been appointed to the National Security Advisor Board? ठीक है, इनमें से किस उद्यमी को National Security Advisor Board में क्या है, चुना गया है, ठीक है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर को, तो
तो याद रखना श्रीधर वेम्बू, क्या नाम है उनका, श्रीधर वेम्बू। हमारे जो एनएसए कौन है, तो वो है अजीत डोवाल, और डेप्टी एनएसए कौन है, वो है दत्ता पडसलगीकर, दत्ता पडसलगीकर याद रखना, ठीक है। विच इंडियन बॉडी वॉन्ड अगेंस्ट रिकॉर्डिंग इट्स सेशन यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है, किस यानी कि किस ऐसी कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने ऐसा बोला है कि आप जो है मोबाइल फ़ोन यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जब भी हमारा सेशंस चल रहा होगा, तो ऐसा राज्यसभा ने बोला है। किसने बोला है, राज्यसभा। अगर राज्यसभा को कोई भी सांसद जो है क्या है मोबाइल फ़ोन चलाता पाया गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institution has launched a new risk-based internal audit system for non-banking finance company? ठीक है, इनमें से किस institution ने एक नया risk-based internal audit system launch करा है NBFCs के लिए, तो आपके answers बनता है RBI, क्या बनता है RBI, ठीक है, ठीक है। Which is the name of the campaign launched by दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दिल्ली सरकार ने किस यानी कि पॉलिसी का, किस अभियान यानी कि अभियान का नाम क्या है दिल्ली पॉलिसी, तो याद रखना स्विच दिल्ली, क्या है स्विच दिल्ली। स्कूल बैग पॉलिसी, नेशनल है ना, स्कूल बैग पॉलिसी लेकर आई थी दिल्ली सरकार, स्कूल बैग पॉलिसी, उसका मतलब ये था यानी कि उसके तहत ये बोला गया था मेन पॉइंट कि जो बच्चे का वजन है, बच्चे का वजन है उसके वजन का सिर्फ 10% होना चाहिए स्कूल बैग का वजन। मान लो अगर बच्चा है 20 किलो का तो स्कूल बैग का वजन 2 किलो होना चाहिए, बहुत माइनस है, मैंने उदाहरण लिया इसका, ठीक है। ठीक है, 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 53, कितनी है 53 रैंक है भारत की, ठीक है, याद रखना। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी करा था और नॉर्वे सबसे अच्छा देश बनके उभरा है, नॉर्वे, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ अफेयर्स टू सीक हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी जो भी होती है उसके दौरान मदद पाने के लिए होम गृह मंत्रालय ने कौन सा ऐप जारी करा है, तो याद रखना लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऐप, ठीक है, याद रखना। 112 आप डायल करेंगे तो क्या होगा, पुलिस को डायरेक्ट फ़ोन लग जाएगा, इमरजेंसी नंबर है। इंडिया सेट टू सेलिब्रेट द सेंचुरी बर्थ ईयर ऑफ विच है ना लेजेंडरी वोकलिस्ट, 100 साल पूरे होने पर, ठीक है, 100 साल पूरे होने पर इनमें से किस लेजेंडरी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो याद रखना पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, याद रखना। एस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कैंसर इज वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड, जो मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड जो कैंसर है वो कौन सा है, तो याद रखना ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा है ब्रेस्ट कैंसर। सेबी हैज बैंड द चेयरपर्सन एंड प्रमोटर्स ऑफ विच कंपनी फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, ठीक है। सेबी ने किस यानी कि कंपनी को अभी हाल ही में बैन किया है सिक्योरिटी मार्केट से, तो याद रखिएगा फ्यूचर रिटेल को, ठीक है, किससे, फ्यूचर रिटेल को, जिसे अभी हाल ही में रिलायंस ने खरीदा था, ठीक है, याद रखना, विवाद भी चल रहा है वो हालांकि। हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स सेट अप बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो क्या है, इतनी बड़ी खबर को कैसे बोलेगा, देखो टेक्निकल एजुकेशन होता है ना उसको मदर लैंग्वेज में कराया जा सके, मदर टंग में, मदर टंग मतलब कौन सी होती है, जो आपकी नेटिव होती है, जैसे गुजराती के लिए गुजरात, गुजरात में रहने वाला गुजराती, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी, एमपी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हिंदी,
तो इस तरह की जो मदर लैंग्वेज होती है, राष्ट्रभाषा कौन सी, हिंदी हमारी, ठीक है, मदर लैंग्वेज में उनकी कराई जा सकी एग्जामिनेशन यानी पढ़ाई, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है अमित खरे कमेटी बनाई गई है, ठीक है, याद रखना। एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना, 93,224 करोड़ का बजट था। नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए कितना था, 34,300 करोड़ रुपये का, याद रखना, ठीक है। एज पर एज ऑफ फरवरी 2020 हाउ मेनी ग्रीन जोन साइट हैव बीन अप्रूव फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन, फरवरी 2020 के अनुसार, ठीक है, कितने ग्रीन जोन साइट को अप्रूव है ना, अप्रूव करा गया ड्रोन्स को जो है ऑपरेट करने के लिए, याद रखना 32, कितना है 32। वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम क्या थी, ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये पिछले साल वाली ही थी, इस साल भी आई एम एंड आई विल, याद रखना। नेशनल सेफ्टी काउंसिल वॉज सेटअप बाय विच मिनिस्ट्री, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या शुरू करा था, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अब देखो इधर आके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 93,932 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए हैं, और स्वास्थ्य के लिए पूरे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए कितने, 223,846, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर मंत्रालय पूछ ले तो 73,932, और स्वास्थ्य के लिए, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए पूछ ले तो 223,846 लाख करोड़, ठीक है, और कोरोना वैक्सीन के लिए कितना, 35,000 करोड़, याद रख लो। कपिला प्रोग्राम विच वॉज मेकिंग न्यूज, यहाँ मेकिंग आएगा, मेकिंग न्यूज, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है, वापस से गलत हो गया यार, रिसेंटली, ठीक है, इज एसोसिएटेड विच सेक्टर, ठीक है, तो याद रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। कपिला प्रोग्राम किस सेक्टर से संबंधित है, तो यह है आईपी से, याद रखना। भारत ने डेनमार्क और यूएसए के साथ आईपी के क्षेत्र में क्या करा है, एक एमओयू करा है, ठीक है। यूएसए क्या था, आईपी इंडेक्स में टॉप पर था, और भारत की रैंक कितनी थी आईपी इंडेक्स में, 40 थी, याद रखना। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विथ यूनिसेफ टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, किस भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ एक एमओयू करा है जिससे दुनिया भर में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, याद रखना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कौन सा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डोमिनिक ओंगवेन हु वॉज कन्विक्ट बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर वार क्राइम्स इज फॉर फ्रॉम विच कंट्री, डोमिनिक ओंगवेन जो कि क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम यानी कि वो पाए गए थे क्या, आरोपी पाए गए थे वॉर के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, किस देश से संबंधित है, तो यह है युगांडा से संबंधित, किस देश से संबंधित है, युगांडा से। दोस्तों एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये चारों देशों के, ठीक है, इराक को छोड़ देना, सूडान, युगांडा और नाइजीरिया की आपको कैपिटल और करेंसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन विच कैटेगरी ऑफ बैंक, आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ना बैंक्स की, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है किस कैटेगरी के, किस श्रेणी के बैंकों के लिए, तो याद रखना अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए बनाई है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 उसको अमेंड कर दिया भारत सरकार ने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत, ठीक है। अब उसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है बैंक्स, कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए, वो आरबीआई कर सकता है, ठीक है। अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स को जो था अधिकार था, लेकिन अब आरबीआई के पास ये अधिकार चला गया है, ठीक है। अगला सवाल है,
विच इंस्टीट्यूट अनाउंस अ स्कीम विच इनेबल रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने क्या एक स्कीम लेकर आया है वो इंस्टीट्यूशन, जिसमें ये बोला गया है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, पार्टी जो रिटेल में बिजनेस करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा बोलने का काम करा है आरबीआई ने। किसने बोला है ऐसा? आरबीआई ने। एज पर द रिसेंट मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी स्टेटमेंट ऑफ द आरबीआई, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन FY22। ठीक है, FY22 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी 10.5% रहेगी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। किसने बोला ऐसा? आरबीआई ने बोला है, याद रखिएगा। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द मिलिट्री कॉप इन विच कंट्री। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक चिंता जाहिर करी है कि क्या हुआ था पिछले दिनों, जो आन सान सू की थी म्यांमार की प्रधानमंत्री और विन मेंत थे, अब उनको क्या कर दिया गया कि बंदी बना लिया गया। कहाँ पे? उनकी प्रधानमंत्री आवास में, कार्यालय में, जो भी बोल सकते हो, मिलिट्री ने वहाँ की। तो इसके ऊपर चिंता जाहिर करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। ठीक है, और क्या करा, देश को अपने अधीन कर लिया। किसने? म्यांमार में। वो वापस से फ्रेश इलेक्शन कराने का कह दिया मिलिट्री ने। तो ये कहाँ पे था? म्यांमार में सब घटना घटी थी। ठीक है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी देशों के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं? यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। ठीक है, याद रखना। एज पर द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैश रिजर्व रेशो बाय मे 2021। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कैश रिजर्व रेशो है कितना हो सकता है मार्च 2021 तक, तो वो हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा? 4%, जो कि वर्तमान में कितना है चल रहा है? 3% चल रहा है, याद रखना। विच ग्लोबल डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज अनाउंस टू शट डाउन इट्स पेमेंट ऑपरेशन इन इंडिया। इनमें से किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो भारत से अपने जितने भी पेमेंट के ऑपरेशंस हैं वो बंद कर लेगी? तो वो बोला है पेपल ने। किसने कहा है? पेपल ने, याद रखना। द इंडियन नेवी रिसीव्ड द MK-3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। भारत की इंडियन नेवी ने किस नेवी से MK-3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स परचेस किए हैं? तो याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बारबाडोस विच वाज रिसेंटली रिसीव्ड COVID-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। तो बारबाडोस की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रिजटाउन है। क्या है? ब्रिजटाउन है। विच कंट्री हैज सेटल्ड आ 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विथ इंडिया। 400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी भारत के साथ एक टाइप करा है। किसने करा है? श्रीलंका ने करा है। किसने करा है? श्रीलंका ने करा है, याद रखना। श्रीलंका ने क्या करा था अभी रिसेंटली? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको मना कर दिया था अपनी पार्लियामेंट में स्पीच देने से। क्यों? वो कश्मीर का मुद्दा उठा सकते थे इसलिए। ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंस टू एंड कंट्री सपोर्ट फॉर सऊदी लेड मिलिट्री ऑपरेशन इन विच कंट्री। ठीक है, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसा बोला है कि जो सऊदी अरब की लीड में, यानी कि के नेतृत्व में, बोले तो सऊदी अरब के नेतृत्व में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कहाँ पे? यमन में। कहाँ पे हो रहा है? यमन में। उन्हें हटा देगा, ख़त्म कर देगा, तो वो बोला है यमन के लिए। ठीक है, यमन में जो, ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि देखो, दो पार्टियाँ वहाँ पे, कहाँ पे? अमेरिका में। एक डेमोक्रेट है, दूसरा रिपब्लिकन है। ठीक है, अब रिपब्लिकन के कौन थे? ये ट्रंप साहब थे, डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने क्या,
इनसे रिलेशंस अच्छे बनाए सऊदी अरब वगैरह यूएई से, लेकिन डेमोक्रेट्स के हमेशा रिलेशन क्या रहते हैं, ख़राब रहते हैं, किनसे, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, इसीलिए इन्होंने ये करा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज प्रमोटिंग द फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में कौन सी मिनिस्ट्री प्रमोट कर रही है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इनके लिए कितना था बजट, 2000 करोड़ का था। ठीक है, इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए कितना था 5 साल के लिए, 1624 करोड़। एमएसएमई के लिए कितना है, 15700 करोड़, याद रखना। ठीक है, ऐसे करेंगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल शक्ति की बात करें, ठीक है, जल शक्ति की, तो ये अर्बन जल जीवन मिशन के लिए कितना, 2.87 लाख करोड़ का जो है बजट प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस पर सीईआरटी व्हाट इज द नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग वर रिपोर्टेड इन 2020। सीईआरटी के अनुसार, ठीक है, जो भारत में, माफ कीजिएगा, ग्लोबली ऐसा बोला उन्होंने सीईआरटी ने कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थे, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जो धोखेबाजी थी, केसेस थे, कितने आए हैं, तो 290,000, कितने हैं, 290,000, याद रखना। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन द 100 टेस्ट मैच। इनमें से कौन सा एकमात्र खिलाड़ी है या पहला खिलाड़ी है जिसने डबल सेंचुरी लगाई है उसके 100 टेस्ट मैच में, तो याद रखना जो रूट ने। ये कहाँ के खिलाड़ी है भैया, ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। अभी भारत और इंग्लैंड के भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, याद रखना। धाउबी दुर्गपुर नेशनल गैस पाइपलाइन एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी, तो याद रखिएगा आप, ये है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में अभी जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है, बंगाल की न्यूज़ें तो आपको रखनी ही है याद। कौन कौन सी, बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पौंडीचेरी हुआ, ठीक है, पुडुचेरी बोलते हैं उसे, असम हुआ और केरल हुआ, ये 5 राज्य जहाँ पे इस साल चुनाव होने वाले हैं। तो ये 5 राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब न्यूज़ में हर जगह हाईलाइट होते रहेंगे, जो न्यूज़ चैनल लगा ये 5 राज्यों से ही संबंधित सवाल होंगे, तो याद रखना ये 5 राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोक लुभावन ये योजनाएँ भी जारी करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 राज्य हैं, हर न्यूज़ आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों से। ठीक है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द ऑडियंस अवार्ड एट द सन डांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड मिला है राइटिंग विद फायर को। ठीक है, याद रखना। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज द रीनेम समग्र शिक्षा स्कीम फंडेड रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल आफ्टर हूज नेम, तो आंसर बनता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है समग्र शिक्षा जो योजना है उसका नाम बदल दिया गया, समग्र शिक्षा योजना का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है, याद रखना। 93,224 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को, ठीक है, 34,300 करोड़ नेशनल एजुकेशन मिशन को आवंटित किए गए थे 2021-22 के बजट में। बंसी कॉल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विच प्रोफेशन, तो आपका आंसर बनता है थिएटर डायरेक्टर, क्या बनता है, थिएटर डायरेक्टर। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ना, NCERA मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जारी किया था, याद रखना। ठीक है, अल अमल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द अनमैंड स्पेस प्रोब ऑफ विच कंट्री,
अल अमल किस देश का स्पेस जो है, ठीक है, स्पेस प्रॉब है अनमैन्ड, तो याद रखना मानव रहित है, ये यूएई का, कहाँ का है, यूएई का। तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच यूटी, तो याद रखना उत्तराखंड में, ठीक है। जोशी मठ नाम सुना होगा, जहाँ पे क्या हुआ था, ग्लेशियर फटा टूटा, ठीक है, ग्लेशियर टूटने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर बाढ़ आ गई, ठीक है, और बाढ़ का कारण क्या था, बाढ़ का कारण था एक डैम का टूटना, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो वो उसी का पार्ट था, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट उसी का पार्ट था, ठीक है, याद रखना। विच कंट्री रिलीज इट्स न्यू एंटी मोनोपोली गाइडलाइंस टारगेटिंग इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो याद रखना चाइना, ठीक है, एंटी मोनोपोली गाइडलाइंस टारगेटिंग इंटरनेट प्लेटफॉर्म किसने जारी करी है, तो चाइना ने, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई वुड परचेज फोर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम अमाउंटिंग 20,000 करोड़ थ्रू विच ऑपरेशन, तो आपका आंसर बनता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ इज मेड इन विच यूनियन स्टेट, माफ कीजिएगा, यूनियन, ये यूनियन नहीं आएगा यहाँ पे, स्टेट यूटी टू मेक फिशरीज हब, ठीक है, फिशरीज हब बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 400 करोड़ रुपए आवंटन किए जा रहा है, तो वो याद रखना गोवा को, ठीक है। गोवा इस साल मनाने जा रहा है अपना लिबरलाइजेशन डे, ठीक है, कौन से नंबर का, 50वें नंबर का, तो उसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ये याद रखना, ठीक है, और फिशरीज हब के लिए 400 करोड़, ठीक है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स 3% फॉर 2021, ठीक है, इन इंडिया, और 2022 का याद रख लो 2% पर इन्हें लेकर आना है, तो ये ऐसा बोला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस 16 डिजिट यूनिकोड सिस्टम फॉर लैंड आइडेंटिटी, ठीक है, लैंड आइडेंटिटी के लिए 16 डिजिट का यूनिट कोड देने वाला है, कौन सा स्टेट है, तो वो है उत्तर प्रदेश है, कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है। विच अमाउंट ऑफ फंड हैव बीन अलॉटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 2021-22, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत सरकार ने कितना बजट दिया है 2021-22 के लिए, तो याद रखना 16,000 करोड़ का, कितना दिया है 16,000 करोड़ का, और 13 जनवरी 2021 को इस योजना ने अपने 5 साल पूरे कर लिए। विच इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेंटल मल्टीलिएशन ऑब्जर्व फरवरी 6, ठीक है, फरवरी 6 को इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेंटल मल्टीलिएशन मनाया गया, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, ये लिख लेना, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट एंड एक्ट एंड फीमेल जेंटियल मल्टीलिएशन, ठीक है, याद रखना। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें पूरी थीम वगैरह मिल जाएगी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज ऑर्गेनाइज बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो आपका आंसर बनता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, है ना, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ठीक है। इसका एडिशन कौन सा था, 20th नंबर का था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। विच क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली बिकम द 6th इंडियन टू टेक 300 विकेट इन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 6th भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो याद रखना ईशांत शर्मा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ईशांत शर्मा, ये दिया हुआ ईशांत शर्मा, बी ऑप्शन, ठीक है। 98वां टेस्ट जो था इनका करियर का, उसमें इन्होंने 300 विकेट लिए। इन विच ईयर
डिड यूनाइटेड स्टेट कम आउट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इनमें से किस वर्ष में जो अमेरिका था वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर आया था, तो याद रखना 2018 में। अब ये खबर क्यों बनी, क्योंकि जो बाइडेन ने बोला है कि हम इसे वापस रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, विच टॉप पॉपुलस कंट्री रिकवर्ड ओवर 15% डीप इन द रजिस्टर बर्थ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो याद रखना चाइना। विच बॉडी हैज सेट अप सब ग्रुप ऑफ प्रिपेयरिंग द नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर कौन सा, यानी कि बॉडी लेकर आई है, तो वो लेकर आई है नीति आयोग। कौन लेकर आया है? नीति आयोग। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बैग्ड वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो याद रखना बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एज पर द रीसेंट स्टैटिस्टिक रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर विच स्टेट टॉप द डिस्पर्सल ऑफ द लोन अंडर द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। याद रखना उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि में कौन सबसे ऊपर रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। याद रखना जोमैटो के साथ रिसेंटली इन्होंने MOU करा है, और 54,581 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का क्या रहा है? आउटले रहा है बजट के लिए। ठीक है, याद रखना। वॉट इज द स्टेक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टाटा कम्युनिकेशन विच इज टू बी है ना डाइवर्स्टेड। केंद्र सरकार का टाटा कम्युनिकेशन में कितना यानी कि स्टेक है, यानी हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखना 26.12% 26.12% हिस्सेदारी है। विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एट आंगनवाड़ी सेंटर टू प्रोवाइड हेल्थ एंड प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज। हेल्थ एंड प्री एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सर्विसेज के लिए किस योजना को यानी कि इम्प्लीमेंट करा गया आंगनवाड़ी सेंटर्स में? याद रखना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, स्मार्ट अपग्रेड्स विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच इंडियन बैंक। आंसर बनता है HDFC बैंक। ठीक है, याद रखना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लोकेटेड? तो आपका आंसर बनता है गुड़गांव में। ठीक है, सेफर इंटरनेट 2011 की थीम क्या थी? तो याद रखना टूगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है, टूगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। ड्यूरिंग द खरीफ मार्केटिंग सीजन द गवर्नमेंट हैज प्रोड्यूस्ड ओवर 620,00,000 टन ऑफ विच फूड ग्रेन। आंसर बनता है पैडी। क्या बनता है? पैडी। द मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2026 टू द रिप्लेस विच एक्ट? तो आंसर आपका जो बनता है वो बनता है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, और इस 2,000 करोड़ का पोर्ट्स वाटरवे शिपिंग के लिए बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टेड डिसमेंटलिंग ऑफ विच एयरक्राफ्ट कैरियर रिसेंटली? आंसर बनता है आपका INS विराट। क्या बनता है आपका? INS विराट। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। ठीक है, जिसमें हमने बात करी 116 सवालों की, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। इस तरह के सेशन अब रोज आएंगे जिसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, है ना, लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।